तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किस महान पर्सनैलिटी का था ये नारा? ये था सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग खुद ही इतने ज्यादा इंस्पायर हो जाएंगे कि आप लोग समझ पाएंगे कि कैसी कैसी सिचुएशन में भी इंसान क्या क्या कर कर गुजर सकता है। अगर इनके बारे में बात की जाए तो हमारी कंट्री से बाहर रहकर इनके द्वारा एक पूरी आर्मी तैयार की गई ताकि अपनी कंट्री को आजाद कराया जा सके। एक साइड में थे यहाँ पर गांधी जी, जो कि अपने जो पैटर्न फॉलो करके चलते थे कि किस तरीके से शांति का रास्ता लेकर हम लोग को अपनी कंट्री को आजाद कराना है, और एक साइड में ये थे, इनका मानना ये था कि हम लोग लड़कर ही आजादी ले सकते हैं, ऐसे आजादी नहीं मिलेगी। तो दोनों ही विचारधाराएं अपना पैरेलल में चल रही थी। तो इनके द्वारा भी जितनी हिम्मत दिखाई गई, जहां जहां से कहां कहां से लोग जोड़े गए इनके द्वारा, और जिस तरीके से एक पूरी फौज तैयार की गई, तो वो भी एक काफी सैल्यूट करने वाली बात आप लोग बोल सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो झारखंड के जो सीएम है उनके द्वारा 23 जो जनवरी है उसको पब्लिक हॉलीडे भी स्टेट के अंदर अनाउंस कर रखा है। तो इसी के साथ में यहां पर इनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो इनके द्वारा जो नारा दिया गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आज की डेट में भी बहुत सारे लोग जो इससे इंस्पायर होते हैं, और कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर में अगर आप लोग बात करें बहुत बड़ा रोल इनके द्वारा प्ले किया गया, और खासकर आप लोग बोल सकते हैं कि जान डाली गई फ्रीडम जो स्ट्रगल था हमारी कंट्री का उसके अंदर में। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। तो ये है हमारी कंट्री के एक नेता जिनको सुभाष चंद्र बोस जी, और नेताजी के नाम से भी इनको जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी को जो इंडियन आर्मी की जो कमांड थी वो सिंगापुर में इनको एक पर्सनैलिटी के द्वारा इनको वो कमांड दी गई थी, स्टार्टिंग से ही उसके साथ में नहीं कनेक्ट थे, कौन पर्सनैलिटी थी जिनके द्वारा यहां पर इनको ये कमांड दी गई थी ये आप लोग बताइए। ओके, आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक एक कर अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताता हूं। काफी अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया, अच्छा लगता है काफी जब इतना आप लोग लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में, इनके द्वारा 32वां अभी सेशन यहां पर प्रगति का ये अभी इनके द्वारा प्रेसाइड किया गया, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर बेसिकली रहता क्या है कि एक तरीके से देखा जाता है कि कैसे कैसे काम चल रहा है, और सही चल रहा है कि सही नहीं चल रहा है। तो वो सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म आप लोग इसको बोल सकते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी ये बताना है। प्रगति जो है यहां पर ये कब स्टार्ट किया गया था ये आप लोग बताइए, फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट किया गया था। एनुअल मीटिंग कौन से नंबर की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी हो रही है, और कहां पर ये हो रही है ये आप लोगों को बताना है। किस पर्सनैलिटी को यहां पर एनुअल क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, आसाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ में मिलकर 88 मिलियन का जो यहां पर अभी साइन किया गया है MOU के एक एग्रीमेंट, जिसके चलते यहां पर आसाम के अंदर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि वाटरवेज की बात आप लोग कर सकते हैं। जिस तरीके से रोडवे होते हैं, हाईवे होते हैं, इस तरीके से वाटरवेज भी होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग को बताना है किसके साथ में यहां पर MOU के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरीके का एग्रीमेंट है, ये यहां पर साइन किया गया यूटी लद्दाख के साथ में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और इसको D3SI बोला गया है। क्या है यहां पर ये डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस टू स्टेट, यानी कि SSS, ठीक है। तो D3S और आई यहां पर बोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये प्रोजेक्ट है। अगर D3SI आप लोगों से कोई पूछे क्या है तो इसके बारे में भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एक तरीके का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है लद्दाख के अंदर में। नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो किसके द्वारा इसको इनिशिएट किया गया ये आप लोगों को बताना है। उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो 146 जो इंडेंजर्ड इरावड़ी जो डॉल्फिन अभी यहां पर ये फॉर्म की गई, तो यहां पर कहां पर ये देखने को मिली, किस रिवर के अंदर या लेक के अंदर आप लोग बता सकते हैं। साबरमती रिवर जो है किन दो राज्य में बहती है, एक तो गुजरात और दूसरा क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो ये है क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब आंसर बताता हूं, मैच करकर नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना मत भूलिएगा। एक एक करके आंसर देखते हैं। सबसे पहले प्रगति के बारे में बात करते हैं। प्रगति एक प्लेटफॉर्म है जिसके बेस पर यहां पर हमारी कंट्री में जो प्रोजेक्ट है किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो चेक किया जाता है। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो ये है प्रगति। प्रगति जो है यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या ये सेंटर के प्रोजेक्ट देखता है, नहीं, सेंटर और स्टेट दोनों के प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन यहां पर ये देखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 25 मार्च 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था ये जो प्लेटफॉर्म है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। यहां पर 50वां यानी कि 50th एनुअल मीटिंग जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी दावोस स्विट्जरलैंड में देखने को मिली, तो इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखेगा। और यहीं पर ही दीपिका पादुकोण को 26th यानी कि 26वां एनुअल क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। दावोस कहां पर है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ आसाम, और इसी के साथ में यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा साइन किया गया एग्रीमेंट जो कि आसाम के अंदर इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा।
ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए जब भी आप लोग बात करते हैं, अगर कहीं डेवलपमेंट की बात की जाती है तो वर्ल्ड बैंक आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर कहीं पर क्राइसिस हो रहा है, ऐसी चीजें होती है वहां पर, तो आप लोगों को IMF नजर आएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए यहां पर वर्ल्ड बैंक देखने को मिलेगा। नीति आयोग के बारे में अगर आप लोग बात करें तो MOU यहां पर जो साइन किया गया है वो नीति आयोग के द्वारा ये यूनियन टेरेटरी लद्दाख के साथ में, ताकि डेवलपमेंट यहां पर किया जा सके, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस टू स्टेट, तो यह है बेसिकली D3I, ठीक है। इसी के साथ में नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस जो अवार्ड है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, कि हमारी कंट्री में 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अभी इरावड़ी जो डॉल्फिन है, इरावड़ी एक रिवर भी है यहां पर म्यांमार के अंदर में, तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। तो ये चिल्का लेक में भी देखने को मिली। चिल्का लेक कहां पर है? ये उड़ीसा के अंदर में है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पर बात करें साबरमती रिवर के बारे में, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देखिए मैक्सिमम जो रिवर है हमारी कंट्री में, अगर आप लोग ऐसे देखेंगे, ये हमारी कंट्री होगी, तो मैक्सिमम रिवर आप लोगों को ये सारी इधर आप लोग गिरती हुई नजर आएंगी। पर लेकिन जो ये है यहां पर साबरमती, ये आप लोगों को अरेबियन सी में नजर आएगी। नॉर्मली बेव बंगाल में रिवर गिरती है, तो ये फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखते हैं। तो राजस्थान और गुजरात से होती हुई ये नदी गुजरती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर, बात करते हैं यहां पर नैनो न्यूज के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम लोग को जाने हैं। इसी के साथ में खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो आज कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके ऊपर आप लोग की एक कंप्लीट वीडियो आएगी। क्या आप लोग चाहिए आप लोग को? अगर हाँ तो येस लिखिएगा, अगर नहीं चाहिए तो आप लोग नो भी लिख सकते हैं, उसकी जगह फिर मैं कुछ और देखता हूं, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा, अगर आप लोग को चाहिए तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग को जैसा भी सही लगेगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। PDF सारे लेक्चर की यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और, आप लोगों की वो भी वीडियो आ गई जो कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी काफी बच्चों ने, कि सर जो EPFO का एग्जाम है उसके लिए क्या क्या हम लोगों को तैयारी करनी है, क्या क्या बुक्स हम लोगों को पढ़नी है और क्या क्या हम लोगों को कवर करना है। तो डिटेल में पूरा बताएगी कौन सा टॉपिक कहां कहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो EPFO का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2017 में इसका एग्जाम हुआ था, वो भी मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को टेलीग्राम पर, उसको भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। पता चल जाएगा आप लोगों को लेवल कैसा होता है, फिर उसी के हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। वही बात है कि पानी में तभी कूदना चाहिए जब आप लोगों को पता होगी गहराई कितनी है और आप लोगों को तैरना आता हो। आग बंद कर कूदोगे तो डूब जाओगे, तो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं यहां पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारी कंट्री में, जो कि 10 जनवरी से इंप्लीमेंट किया गया है, कि उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैंने अभी एक साइड सुनी है यहां पर कि हाँ आप लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, सेंटर को भी टाइम देना है कि सेंटर की बातें भी सुन सके। तो सेंटर को टाइम दिया गया है लगभग यहां पर 4 वीक का, ताकि जो सेंटर है यहां पर अपना पक्ष रख सके, ठीक है। तो सेंटर की साइड से यहां पर जो बातें होंगी उसके बाद में सुनने के बाद में फिर यहां पर ये बात करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? यहां पर तीन कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर यहां पर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, यानी कि जो यहां पर प्रोसिक्यूट होती है मैक्सिमम हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन और पारसी, हमारी कंट्री में आते हैं, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और सिटीजनशिप किसके थ्रू जाएगी? नेचुरलाइजेशन के थ्रू यहां पर सिटीजनशिप दी जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? वो ये है कि कब यहां पर कट ऑफ डेट रखी गई है, तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलनी आप लोगों को। ये December 31, 2014 कट ऑफ डेट है, बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं। इसी के साथ में सिटीजनशिप के बारे में अगर संविधान में बात करेंगे तो पार्ट सेकंड में रखा गया है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। इसमें नेचुरलाइजेशन को यहां पर बेसिकली फंडा बनाया गया है। नेचुरलाइजेशन में नॉर्मल तरीके से 11 साल में आप लोगों को सिटीजनशिप मिलती है, पर लेकिन उसको घटाकर 5 साल कर दिया गया है, ताकि आसानी से सिटीजनशिप यहां पर मिल सके। और जो हमारी कंट्री में एक्ट है जिसके चलते इलीगल करार दिया जाता है बिना डॉक्यूमेंट के अगर कोई आता है, तो वो भी जो कंडीशन है हटा दी गई है, ताकि आसानी से सिटीजनशिप यहां पर मिल सके। इसी का प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी के चलते प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं लोग क्योंकि यहां पर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी बोला गया है। तो प्रोसिक्यूटेड यानी कि जिनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ओनली इन्हीं लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, बल्कि दूसरी जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं उसको काउंट ही नहीं किया है गवर्नमेंट ने। तो इसके चलते पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहा है। केरला पहला ऐसा राज्य बन गया हमारी कंट्री में जो कि रिजोल्यूशन पास किया सेंटर के लोगों के खिलाफ, और आर्टिकल 3131 का यूज करके वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां पर बात की जा रही है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के बारे में। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यहां पर 2020 ये राष्ट्रपति भवन में यहां पर दिए गए बच्चों को। तो ये एक्सेप्शनल अवार्ड होते हैं जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके द्वारा जो अचीवमेंट किया जाता है अलग अलग फील्ड में, तो वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर जो नेशनल ब्रेवरी जो अवार्ड है ये रिसीव किए जाते हैं इस तरीके से प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हमारी कंट्री में ये अभी डिस्ट्रीब्यूट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये है, आइए चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से बन जाता है रिपोर्ट के बारे में। तो रिपोर्ट का टाइटल क्या है? टाइम टू केयर, यानी कि अब टाइम आ गया केयर करने का। अनपेड और इसी के साथ में अंडरपेड जो केयर है उसके लिए जो वर्क है बेसिकली ग्लोबल इनइक्वलिटी, ये एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है
यहां पर ऑक्सफैम के द्वारा, ये क्या है बेसिकली, इनके द्वारा ये बोला गया कि गरीबी को मिटाना है, जो अंडर पेड या फिर लोअर पेड जिनको कम पैसा दिया जाता है वर्क के लिए और जो इनइक्वलिटी है सोसाइटी में उसको खत्म करने का टाइम आ गया, तभी हम लोग पॉवर्टी को मिटा पाएंगे। देखिए आज के डेट में जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के 1% जो अमीर लोग हैं वो 4% वेल्थ, आप लोगों यहां पर ये 4 गुना वेल्थ देखने को मिलेगी, जो कि 953 मिलियन लोगों के कंपेयर में अगर आप लोग उनको कंपेयर करेंगे, जो कि लगभग 70% कंट्री की पॉपुलेशन है। यानी कि आज की डेट में कुछ लोगों के हाथ में ही पैसा है, दूसरों के हाथ में पैसा देखने को नहीं मिलता है। वर्ल्ड में 1% जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ट्वाइस वर्ल्ड की वेल्थ यहां पर जो कि 6.9 बिलियन लोगों के पास में, अकेली 1% के पास में आप लोगों को नजर आएगी, उनका भी 2 गुना। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, 2153 इंडिविजुअल नंबर ऑफ बिलियनर हैं आज की डेट में अगर वर्ल्ड में बात करें 2019 के हिसाब से अगर आप लोग इसको देखते हैं तो, जिनमें से लगभग अगर बात करें मोर देन जो वेल्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी वो 4.6 बिलियन जो लोग हैं उनसे ज्यादा आप लोगों यहां पर नजर आती है। यानी ये कहने का मतलब यहां पर ये कुछ ही हाथों में पैसा है आज की डेट में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी अच्छे से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। 42% जो वर्किंग एज में जो वुमेन की अगर बात करें वो आउटसाइड पेड वर्क है, यानी कि घर पे जो महिलाएं होती हैं, जो हमारे आप लोगों ने देखा होगा जो मम्मी होती हैं या फिर सिस्टर होती है या फिर और भी घर में कोई होता है तो जो काम करते हैं घर में उनके बारे में बात की जा रही है। 6% ओनली मैन है और 42% वुमेन है जो कि अनपेड वर्क आज के में रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ लोग भी ऐसे जो कि यहां पर ये काम करते हैं पर लेकिन 42% वुमेन है, तो आप लोग यहां पर एक गैप देख सकते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी की अगर बात करें तो 4% हायर वुमेन में आप लोगों को देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू मैन, यानी कि औरतें ज्यादा गरीब कंडीशन में रहती हैं आज के डेट में एज कंपेयर टू अगर मैन के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं। अगर एडिशनल 0.5% टैक्स अगर जो रिचेस्ट जो 1% लोग हैं उन पर हम लोग लगा दें आने वाले 10 सालों के लिए तो 117 मिलियन नई जॉब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एजुकेशन, हेल्थ और एल्डरली लोगों के लिए केयर भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि ओनली अगर उनकी इनकम पर 0.5% अगर टैक्स लगा दिया जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसका अगर आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में कहीं पर तो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है 12th नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। ये जो प्रोग्राम है ये पोंडीचेरी में इनोग्रेट किया गया, तो ये सबसे पहली बात यहां पर सारी कल्चर वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो इनके कस्टम कल्चर ड्रेसिंग पैटर्न फूड वगैरह वो सारी चीजें दिखाई गई है। इसी के साथ में कौन इसको ऑर्गेनाइज कराता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेहरू युवा केंद्र जो संगठन है वो इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है और यहां पर जो ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है ये इसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री नहीं है होम अफेयर मिनिस्ट्री है, ये कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से अपॉर्चुनिटी रहती है कि अपनी कल्चर वगैरह को ये दिखा सके ताकि और ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर किया जा सके हमारी कंट्री में और ज्यादा इनको सपोर्ट किया जा सके ट्राइबल कम्युनिटी को। प्रोग्राम फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट किया गया था, 2006 में इसको फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। तो यह है फैक्ट आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रिलीजन के नाम पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कई सारी उल्टी सीधी हरकतें होती रहती हैं। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को जो याद रखना है वो ये है कि रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 100 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। एक पर्टिकुलर रीजन है जो कि बर्थ प्लेस माना जाता है साई बाबा का, ठीक है, तो यह है पथरी। तो यहां पर पर्टिकुलर लोकेशन आप लोग ये देख सकते हैं, ये है यहां पर और योगेश सिरडी जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहां पर ये एक तरीके से एंगर हो गया इसके चलते सिरडी टाउन के अंदर में, क्योंकि देखिए जो साई बाबा थे उनको कुछ लोग संत बोलते थे और कुछ लोग उनको फकीर बोलते थे, तो उसके चलते आखिर किसे आप लोग इसको डेवलप कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों उनको अलग अलग तरीके से देखते थे, तो इसके चलते यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो देखते हैं क्या रोस आता है और क्या रुकता है यहां पर। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया है, तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड न्यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा एक रोबोट बनाया गया है जो एक टीनी रोबोट है, यानी कि बहुत छोटा रोबोट है, इसका नाम रखा गया है जिनोबोट्स, ठीक है, तो इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा जिनोबोट इसका नाम रखा गया है। और अफ्रीका के जो मेंढक है उसमें से यहां पर उसकी जो सेल निकालकर इसको बेसिकली एक लाइव मशीन की तरीके से यहां पर ये बनाया गया है, यानी कि एक तरीके से जो ये मेंढक की फॉर्म में जो रोबोट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक लाइव मशीन की तरीके से है आप, जो कि मिलीमीटर की साइज का आप लोगों को देखने को मिलता है। ये मूव कर सकता है टारगेटिव जो इसको कहीं पर अगर भेजना है लाइक मेडिसिन, जैसे बॉडी में मेडिसिन नहीं जाती है ऐसे ही इनसाइड द पेशेंट इसको यहां पर मूव किया जा सकता है, मेडिसिन को अगर पुट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो एक तरीके से वैसे जिंदा है पर लेकिन ये एक तरीके देखिए ये क्या है ना तो मशीन है, ठीक है, और ना ही ये आप लोग इसको पर्टिकुलरली एक नेचुरल चीज बोल सकते हैं, तो ये एक तरीके की ऐसी चीज है जो कि एक इसके बीच का एक आर्टिफैक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो वही बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, तो एक तरीके से आप लोग इसको एक मिड बोल सकते हैं, ना तो इसको ट्रेडिशनल रोबोट
आप लोग बोलेगा और ना इसको एक एनिमल आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तरीका आर्टिफैक्ट है जो कि एक लिविंग प्रोग्राम के थ्रू यहां पर ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, इनके एक कंट्रोल मैनर में यहां पर ये काम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इसका जो नाम है वो जरूर याद रखिएगा, जीनोबोट अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक के अंदर इस तरह क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। आइए चलते हैं अगले सेशन की और बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। कहने के लिए इंटरनेशनल है पर लेकिन नेशन से भी काफी अच्छे से ये न्यूज कनेक्ट है। इस न्यूज के बारे में क्या बात की जा रही है, हमारी कंट्री के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसके द्वारा इशू किया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन। ये क्या है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी बना दिया गया है सेक्शन 44A के तहत, जो हमारी कंट्री में सीपीसी 1908 है, यानी कि जो क्रिमिनल कोड प्रोविजन है उसके तहत यहां पर बात की जा रही है, वो सिविल प्रोविजन कोड है उसके तहत यहां पर बात की जा रही है कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी हो गई इंडिया की। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे, पहले आप लोग यहां पर यह समझिए। नोटिफिकेशन जो है वो डिक्लेयर करता है, जो यूएई का कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट को एक सुपीरियर कोर्ट के तरीके से यहां पर डिक्लेयर करता है इस सेक्शन के अंदर में। सेक्शन 44 जो है यहां पर, जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यहां पर, और सेक्शन 44 जो ए है यहां पर, ये टाइटल करता है अगर कोई एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री यहां पर पास की जाती है कोर्ट के द्वारा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के अंदर, तो वो एक तरीके से लो होगा सब्जेक्ट टू द सेम ऐसे जैसे इंडिया में उसको पास किया गया हो। यानी कि मान लीजिए हमारी कंट्री का कोई सिटीजन है वहां पर और उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो कई बार क्या होता है अपनी कंट्री में भागकर वहां से आ जाते हैं, तो अब वो फंडा देखने को नहीं मिलेगा अगर कोई हरकतें वहां पर की जाती है इस तरीके की कि वहां पर जो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, सिविल सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है, तो वो अब सेम डिक्री वहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि इस तरीके से जैसे हमारी कंट्री किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो फैसला दिया हो, बिल्कुल ऐसा फैसला वहां पर दिया जाएगा और उसको माना जाएगा। तो ये होता है इसका मतलब रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। ठीक है, तो यह है, तो इंप्लीमेंट किया जाएगा बिल्कुल ऐसे ही इंडिया में भी उसको, जैसे कि हमारी कंट्री किसी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट ने इसको इशू किया हो। तो ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। डेजिग्नेशन क्या दिया गया इन कोर्ट को, इनको सुपीरियर कोर्ट का नाम दिया गया है। इसी के साथ में देखिए यहां पर हेल्प मिलेगी, खासकर जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं दोनों कंट्री के बीच में उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और यहां पर जो यूएई के अंदर अब तक यहां पर जो सेफ हेवन की तरीके से उसको यूज करते थे, अगर हमारी कंट्री में कुछ होता है वहां पर भाग गए, अगर वहां पर कुछ होता है तो यहां पर आ गए, वो अब लोग नहीं कर पाएंगे सिविल मैटर्स में। क्या अकेला यूएई है जिसको यह दर्जा मिला गया है? नहीं, इसके साथ में यहां पर जो रेसिप्रोकेटिंग जो टेरिटरी है ये यूके में भी है, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, यहां पर त्रिनाद, तबेगो, न्यूजीलैंड, ये कुक आइलैंड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग न्यू, यहां पर जो बात की जा रही है नेक्स्ट, ये कई सारी और टेरिटरी है जैसे समोआ की बात की जा रही है, हांगकांग, पपुआ न्यू गिनिया, फिजी, एडन, तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पर ये ऐसी फैसिलिटी यहां पर दे रखी है ताकि जो उल्टी सीधी हरकतें कर एक जगह से दूसरी जगह पर लोग पलायन न करें। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सोशल, ये यहां पर ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट सबसे पहले तो किसके द्वारा यहां पर ये पब्लिश की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहां पर फर्स्ट टाइम ग्लोबल सोशल मोबिलिटी जो रिपोर्ट है वो यहां पर अभी पब्लिश की गई है। ठीक है, तो इसमें जो इंडिया की रैंक है यहां पर, ये इंडिया यहां पर लो रैंक आप लोगों को देखने को मिल रही है, 82 कंट्री में से 76 हमारी रैंक यहां पर रखी गई है। सोशल मोबिलिटी यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से जैसे यहां पर बात की जा रही है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, इंटरजनरेशनल जो मोबिलिटी है, एब्सोल्यूट इनकम मोबिलिटी, एब्सोल्यूट एजुकेशनल मोबिलिटी, रिलेटिव इनकम मोबिलिटी और इसी के साथ में रिलेटिव एजुकेशनल मोबिलिटी। तो आखिर इसको चेक कैसे किया जा रहा है, जैसे कि हेल्थ काउंट कर रहे हैं, एजुकेशन किसको एक्सेस है, कितनी क्वालिटी मिल रही है, कितना लंबा पढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी, वर्क या फिर प्रोटेक्शन ऑफ, यहां पर इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, प्रोटेक्शन एंड द इंस्टीट्यूशन, जो कि सोशल प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पांच की डायमेंशन यहां पर है जिसके बेस पर ये इसको निकाला जा रहा है। डेनमार्क के द्वारा यहां पर टॉप किया गया इसमें, जबकि इंडिया की जो रैंक है ये 76 आप लोगों को देखने को मिली है। इंडिया जो है यहां पर सेवंथ जो जनरेशन की अगर आप लोग बात करें यहां पर जो इसका जो पार्ट रहा है, तो वो टेक सेवंथ जनरेशन मेंबर जो पुअर फैमिली है बेसिकली जो अचीव कर रही है इनकम उसके बारे में। रशिया की जो रैंक है 39, चाइना 45, ब्राजील 60 और पाकिस्तान 69 है। आप लोग इसको देखिए एक मिनट के लिए, यहां पर ये है बेसिकली, अगर आप लोग यहां पर इसको देखेंगे जो इंडिया की रैंक है वो 10 पिलर में अलग अलग यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है सोशल मोबिलिटी के चलते। हेल्थ में क्या रैंक है, एक्सेस टू एजुकेशन में क्या रैंक है हमारी, इसी के साथ में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, लर्निंग में क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या है, वर्क अपॉर्चुनिटी में क्या है, किस तरीके की वेज मिलती है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्किंग कंडीशन क्या है, सोशल प्रोटेक्शन क्या है, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए, तो ये सारी चीजें यहां पर इसके बेस पर यहां पर ये रैंक निकल कर आ रही है अलग अलग जो पिलर है उनके बेस पर। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं।
नेक्स्ट आज यहां पर हमारा जो पॉइंट है यहां पर यह एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आज की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यह है यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को एक यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, ये पेरिस फ्रांस में आप लोगों का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए कई बार आप लोगों से क्या पूछा जाता है, जैसे यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है तो कई सारी ऐसी ऑटोनोमस भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो यूएन के अंडर में नहीं आती है, तो आप लोगों को यूएन की ऑर्गेनाइजेशन जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि खासकर जो ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर के काम करती है, जनता के लिए, एजुकेशन के लिए, वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, उसके बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर यूनेस्को, ठीक है। तो जो यहां पर इसके हेड है ये ओड्रे अजोले, और फाउंड जो इसको किया गया था 16 नवंबर 1949 में इसको फाउंड किया गया था। फॉर्मेशन 4 नवंबर 1946 में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। जो फाउंडर्स हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, तुर्की और इसी के साथ में कई सारी, यानी कि इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर में आता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि इसको आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसके बाद में जो आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो देखने को मिलेगी वो होगी यहाँ पर गेम्स के बारे में, यानी कि जो खेलो इंडिया गेम्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है यहाँ पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किस महान पर्सनैलिटी के द्वारा यह नारा दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर ये बात की जा रही है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसकी कट ऑफ डेट क्या रखी गई है, ये आप लोगों को बताना है। जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन और पारसी कम्युनिटी के लोग आते हैं हमारी कंट्री में जो कि प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, तो उनको यहां पर अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना है कि यहां पर ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है ये यहां पर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है और किस मिनिस्ट्री की हेल्प से इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया 100 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट प्रोग्राम यहां पर यह पथरी बेसिक एक पर्टिकुलर रीजन है, तो किस राज्य में है जो कि बर्थ प्लेस ऑफ साई बाबा बोला यहां पर जा रहा है इस पर्टिकुलर रीजन को। साइंटिस्ट किस कंट्री के हैं जिनके द्वारा एक पर्टिकुलर रोबोट बनाया गया है जो कि ना तो मशीनी है और ना ही रोबोट ही है प्रॉपर, तो इसका नाम क्या रखा गया है यह भी आप लोगों को बताना है, जो कि अफ्रीका के जो मेंढक है उससे सेल निकालकर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, यह आप लोगों को बताना है कि टाइम टू केयर, अनपेड एंड अंडरपेड केयर वर्क एंड ग्लोबल इनइक्वलिटी क्राइसिस, ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है ये रिपोर्ट जो कि पॉवर्टी को खत्म करने के बारे में बात करती है। नेक्स्ट यहां पर जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन दिया गया है जिसके चलते रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। तो कौन सी कंट्री की जो टेरिटरी को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, सेक्शन 44A CPC 1908 के तहत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि फर्स्ट एवर यहां पर जो अभी एक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई है उसके बारे में आप लोगों को बताना है उसका टाइटल क्या है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक आप लोगों को करना है, लाइक और शेयर। अगर पसंद नहीं आता है तो ना तो लाइक करना है और ना इसको शेयर करना है। इसी के साथ में सारी पीडीएफ यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है तो भी आप लोग यहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जो भी लेक्चर आता है सबसे पहले यहां पर पोस्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार, तब तक के लिए जय हिंद।